हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे नींबू हरी मिर्च का अचार। सर्दियों के मौसम में नींबू बाजार में आसानी से भी मिल जाते हैं और मिर्च भी अच्छे से मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और नींबू का अचार बनाया। ये बनाना बहुत ही ईजी है। चलिए तो इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। अचार यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च लिए और इसे मैंने धो के अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लिया और मैंने यहाँ पे इसे 5 मिनट लिए धूप में रख दिया था ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है ऊपर का वो निकल जाए। और नींबू भी इसी तरह मैंने धोकर अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ के इसे 1 मिनट के लिए धूप में रखा है। तो ज़्यादा देर हमें धूप में नहीं रखना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नींबू को और मिर्च को अच्छे से साफ करके पोंछ लिया है। अब इसके हम ये हरी मिर्च का डंठल निकाल लेंगे और इसके बीच में से दो दो टुकड़े कर लेंगे और यहाँ पे नींबू के हम चार चार टुकड़े कर लेंगे। तो नींबू के चार टुकड़े हम ऐसे इस तरह से सीधे कट कर लेंगे। तो देखिए मिर्च को हम इस तरह से इसका डंठल निकाल लेंगे लास्ट का थोड़ा सा, बस इस तरह से दोनों साइड से किनारे थोड़े से कट कर लेंगे और बीच में से हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसके इस तरह से टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से दो दो टुकड़े में भी कट कर सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा मोटी मिर्ची हो तो इस तरह से दो दो टुकड़े इसे कर सकते हैं। और नींबू को भी हम इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे और इसके बीज हटा देंगे। इसको भी हम इस तरह से चार टुकड़े में कट कर लेंगे और इसके सारे बीज निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसके 8 टुकड़े भी कर सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं सब नींबू और मिर्ची को काट लूँगी। इसी तरह से हमने सारे नींबू और मिर्ची को काट लिया। देखिए इस तरह से, तो इसमें हम दो नींबू का रस निचोड़ देंगे इस तरह से और इसी को इसी में डाल देंगे। तो थोड़ा सा हम नींबू का रस निचोड़ देंगे इसमें। और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो नींबू और मिर्ची का जो टेस्ट है एक दूसरे में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नींबू और मिर्च को इस तरह से ढक के रख दिया है। तब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम इसके मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मेथी दाना डालूंगी और इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो धीमी आंच पर हम इसे थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। जब तक इसका आरोमा ना छूटे तब तक हम इसे इस तरह से भून लेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गए और ये अच्छे से रोस्ट हो गए, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं इसमें साबुत धनिया डालूंगी। तो साबुत धनिया मैं इसमें 4 चम्मच डालूंगी। तो 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है। इसे भी हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून सौंफ डालूंगी। अब इसमें 2 टेबलस्पून जीरा डालूंगी। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं और अजवाइन भी डाल सकते हैं। इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। धीमी आंच पे हमें सभी मसालों को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। तो देखिए 2 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 बाउल पीली सरसों की दाने डालूंगी। ये दालें पीली सरसों की दालें ये, आप चाहे तो पीली सरसों साबुत पीली सरसों भी ले सकते हैं और इसे मिक्सर में से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ये दाल थी तो मैं इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूंगी। तो इसे हमें पीसना नहीं है, सिर्फ ड्राई रोस्ट करके इसे डालना है। बाकी जो हमने मसाले पीसे थे उसे थोड़ा सा हल्का सा दरदरा पीसना है।
तो इसे एक मिनट तक हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो एक मिनट हो गए, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे भी एक डिश में निकाल लेंगे ताकि ये जले ना। कढ़ाई गर्म है तो इसे कढ़ाई में अगर रखेंगे तो सरसों की दाल जल जाएगी, तो इसे हम एक डिश में निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मसालों को पीस लिया, अब इसमें हम डाल देंगे। सरसों की दाल भी डाल देंगे इसमें। इसमें हम पाँच से छः टेबलस्पून नमक डालेंगे। दो टेबलस्पून हल्दी डालेंगे। एक टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डालूंगी, ये ऑप्शनल है। इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी। तो इसे मैंने गर्म करके ठंडा करके रखा था, तो इसमें एक कप यहाँ पे सरसों का तेल डाल दूंगी। तेल डालने से क्या होता है कि साल भर अचार हमारा अच्छे से रहेगा। अगर आप जिस भी चार में भरेंगे इसे तो हमारा जो अचार अच्छे से डीप होना चाहिए तेल के नीचे, तभी हमारा अचार अच्छे से साल भर तक टिकेगा। तो मैं इसे एक ही कटोरी डालूँ, बाद में इसमें एक कटोरी और डालूंगी। आप इसी तरह भी रख सकते हैं, छः महीने तक अचार अच्छे से रहेगा, बगैर तेल के भी बना सकते हैं। लेकिन साल भर अगर आपको रखना हो तो आप इसमें तेल डाल सकते हैं। अब मैं इसमें और एक कप अचार का तेल डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अचार को एक जार में भर दिया है इस तरह से। अब मैं इसे एक दो दिन धूप दिखा दूंगी, बाद में ये अचार हमारे खाने लायक हो जाएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।